संयंत्र में सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने, मौजूदा सुरक्षा का विश्लेषण करने के लिए विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए सीईओ द्वारा नए साल में पहली तथा तीसरी समीक्षात्मक बैठक का आयोजन गत 2 जनवरी 2020 को कॉन्फ्रेंस में किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीईओ श्री एवी कमलाकार, इनके अलावा ईडी इंचार्ज एमएम श्री एसपी सिंह, ईडी वर्क श्री एके सिंह, ईडी प्रोजेक्ट श्री केबी सुनील, ईडी एमएम श्री एस बासु, ऑफिसिएटिंग ईडी पीएनडी श्री अनुप कुमार, डायरेक्टर इंचार्ज एमएनएचएस डॉक्टर रिंटू गुहान योगी, सीजीएम एफएनडी श्री राजेश अग्रवाल तथा अन्य सीजीएम डीएसओ एएसओ सेफ्टी ऑफिसर्स व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस बैठक की शुरुआत सेल एंथम से की गई। इस दौरान सीजीएम सेफ्टी एंड एनवायरमेंट श्री गौतम रॉय ने सभी का स्वागत किया एवं आईएसपी में चल रहे सुरक्षा गतिविधियों के बारे में सदन को अवगत कराया और कार्यस्थल में सुरक्षा मापदंडों और विनियमों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके पश्चात सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संयंत्र में सुरक्षा में किए गए पहल व सुधार पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इसके बाद सभी डीएसओ द्वारा अपने अपने विभागों में सेफ्टी पर उठाए गए नए नए इनिशिएटिव पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी गई। इसी दिन सीईओ श्री एवी कमलाकार ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी सीजीएम्स जीएम्स को अपने कार्य क्षेत्र में फेल्ट लीडरशिप को प्रदर्शित करने, रोको टोको तथा सुरक्षा से संबंधित विषयों पर ध्यान देने पर जोर दिया, जिससे आईएसपी को बेहतर रूप से सुरक्षित बनाया जा सके। बैठक के अंत में जीएम सेफ्टी श्री जयप्रकाश ने धन्यवाद ज्ञापन किया। पूरे कार्यक्रम का संचालन डिप्टी मैनेजर सेफ्टी श्री हिमांशु नीरज ने किया।